ऑप्शंस को लेके हम देखते हैं मैरिड पुट। तो क्या है ये मैरिड पुट? इन ए मैरिड पुट स्ट्रेटजी एन इन्वेस्टर परचेजेस एन एसेट, परचेजेस एन एसेट सच एज शेयर्स ऑफ स्टॉक एंड साइमल्टेनियसली परचेजेस पुट ऑप्शंस फॉर एन इक्विवेलेंट नंबर ऑफ शेयर्स। तो क्या करता है इन्वेस्टर मैरिड पुट में कि सबसे पहले तो शेयर्स खरीदता है, शेयर्स खरीदता है कोई भी स्टॉक, कोई भी शेयर या कोई भी एसेट, और एसेट भी हो सकती है जैसे कमोडिटीज के केस में भी आप इस तरह की मैरिड पुट लेके चल सकते हैं। तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप शेयर जाके मार्केट से खरीद लेंगे। दूसरा, साथ ही साथ आपने एक पुट परचेज करना है, पुट ऑप्शन परचेज करना है, पुट ऑप्शन बाय करना है। सही है, स्ट्रेटजी तो समझ में आ गई। अंजाम क्या होगा, पहले शेयर खरीद लिए, मान लो रिलायंस के शेयर, एग्जांपल साथ में लेके चलता हूं, रिलायंस के शेयर 2000 का रेट चल रहा है, आपने 250 शेयर मार्केट से खरीदे। मेरिट पुट समझने के लिए देखिए, आपने रिलायंस के 250 शेयर 2000 के रेट से मार्केट से खरीद लिए, और साथ ही साथ क्या किया कि यहां ऑप्शंस मार्केट में एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया, पुट ऑप्शन बाय कर लिया, 250 शेयर का क्वांटिटी या लॉट साइज रहेगा, और 2000 के रेट पे ही पुट करने का मतलब सेल करने का राइट सामने वाले से बाय कर लिया। पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब समझ रहे हैं, सिंपल है कि पुट ऑप्शन बाय करके आपको राइट मिल जाता है कोई शेयर कोई एसेट सामने वाले को दिए हुए स्ट्राइक प्राइस पे बेचने का राइट मिल जाता है, लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं होती है, आप बेच सकते हैं लेकिन मजबूर नहीं होंगे कि बेचना पड़ेगा, आपको सही लगे तो बेचना, नहीं अगर अच्छा लगे मत बेचना। तो आपने बिल्कुल सही किया, मार्केट से 2000 के रेट से शेयर खरीद के लाए और 2000 के रेट पे बेचने का एक राइट यहां पुट ऑप्शन बाय करके आपने ले लिया। सही है, आगे देखते हैं। द होल्डर ऑफ ए पुट ऑप्शन हैज द राइट टू सेल स्टॉक एट द स्ट्राइक प्राइस। एज यू नो आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट द पुट ऑप्शन होल्डर विल हैव द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू सेल द स्टॉक एट द स्ट्राइक प्राइस एंड ईच कॉन्ट्रैक्ट इज वर्थ 100 शेयर्स। ये कोई जरूरी नहीं कि 100 शेयर का सौदा हो, हमने जैसे 250 का लॉट साइज है रिलायंस का, तो 250 हम क्वांटिटी का ये लेके चलते हैं। एन इन्वेस्टर मे चूज टू यूज दिस स्ट्रेटजी ऑफ प्रोटेक्टिंग देयर डाउन साइड रिस्क व्हेन होल्डिंग ए स्टॉक। तो ऐसा ये इन्वेस्टर क्यों कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है कि उसे उम्मीद तो थी कि रिलायंस बढ़ेगा, 2000 से बढ़ के 2400 2600 या 3000 जाएगा, इसलिए उसने वो शेयर खरीदे मार्केट से 2000 के रेट पे। लेकिन उसे साथ ही साथ ये डर भी था, ये डर भी सता रहा था कि कहीं शेयर गिर ना जाए, अगर 1600 1800 या और नीचे गिर गया तो मेरा तो नुकसान हो जाएगा। तो क्या किया उसने, साथी एक पुट ऑप्शन बाय कर लिया। पुट ऑप्शन बाय करने का मतलब है कि उसने सामने वाली किसी पार्टी से ये राइट ले लिया कि वो 2000 के रेट पे रिलायंस के ये शेयर 250 शेयर कभी भी सेल कर सकता है सामने वाली पार्टी को। ठीक है, तो ये पुट ऑप्शन लेके उसने डाउन साइड रिस्क को अपने को बचा लिया, प्रोटेक्ट कर लिया या रिड्यूस कर दिया। अब अगर मार्केट में शेयर गिरने लगा, सस्ता होने लगा, 1800 चला गया, 1600 चला गया, मैं कह रहा हूं 1400 चला गया, इसको कोई नुकसान नहीं हुआ, इसको नुकसान नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ये जो 2000 के रेट से शेयर लेके बैठा है उनको बेचने का राइट इसके पास है, 2000 के रेट पे ही बेचने का राइट किसी पार्टी से ले चुका है। तो ये क्या करेगा, भले ही मार्केट में 1400 का रेट हो 1200 का रेट हो, ये इनको 2000 के रेट पे एक पार्टी को बेचने का कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, वहां इनको 2000 के रेट पे बेच देगा। ठीक है, तो कोई नुकसान इसको गिरावट के केस में नहीं होगा, और अगर बढ़ने लगा
बढ़ने लगा, जितना बढ़ेगा उतना इसका प्रॉफिट होगा। 2000 के शेयर लेके बैठा था, अगर 2600 चला गया तो 600 रुपए पर शेयर का फायदा, अगर 3000 चला गया तो 1000 रुपए पर शेयर का फायदा, अगर 3500 चला गया तो 1500 रुपए पर शेयर का फायदा। जितना शेयर बढ़ेगा उतना इसका फायदा आप देखते हैं कि बढ़ेगा। गिरने के केस में कोई नुकसान नहीं है, कितनी अच्छी स्ट्रेटजी, गिरने के केस में कोई नुकसान नहीं है, लेकिन बढ़ा तो अनलिमिटेड गेन आपको हो सकता है। सो देयर इज नो लॉस इन केस ऑफ डाउन साइड फॉल, बट देयर मे बी अनलिमिटेड गेन इन केस ऑफ अनलिमिटेड राइज इन द प्राइस ऑफ द स्टॉक। स्ट्रेटजी बहुत अच्छी है, ठीक है, सेफ है, एकदम सेफ। और आपको अगर इसमें, आप कह रहे हैं कि इसमें तो कोई भी कर लेगा, ऐसे तो हर आदमी ऐसे ही करके बैठ जाए, लेकिन यहां एक चीज है, आपको याद होगा कि ये जो आप पुट ऑप्शन बाय कर रहे हैं, परचेज कर रहे हैं पुट ऑप्शन, सामने वाली पार्टी को आपने एक प्रीमियम इसके बदले देना पड़ेगा। वो ये राइट आपको तभी देगा, 2000 के रेट पे 250 शेयर अपने बेचने का, कभी भी बेच सकते हैं, ये राइट तभी देगा जब आप उसको प्रीमियम बदले में पे करेंगे। वो ये रिस्क बियर कर रहा है ना, कितना भी शेयर गिर जाए वो आपसे 2000 के रेट पे खरीदेगा, तो ये इतना रिस्क सामने वाला तभी बियर करेगा जब आपसे कोई प्रीमियम रिस्क बियर करने के लिए उसे मिले। तो आप तो देखिए एक प्रीमियम सामने वाली पार्टी को इस मैरिड पुट के केस में पे करना होता है, और ज्यादा से ज्यादा नुकसान आपका यही प्रीमियम के रूप में हो सकता है। मान लो 50 रुपए पर शेयर आपने प्रीमियम दे दिया, अब इसके बदले कितना बड़ा फायदा आपको हुआ। अगर शेयर 1000 रुपए गिर जाए तो आपको 1000 रुपए का नुकसान, आपको सिर्फ वो 50 रुपए पर शेयर का नुकसान है। लेकिन अगर 1000 रुपए बढ़ गया, 2000 से जाके 3000 हो गया, तो 1000 रुपए शेयर का फायदा आपको मिल जाएगा। समझ रहे हैं? तो अनलिमिटेड गेन आपको हो सकता है जब शेयर अनलिमिटेड बढ़ेगा, और लेकिन आपको नुकसान बिल्कुल भी नहीं होगा सिवाय इस प्रीमियम अमाउंट के, अगर शेयर गिरने लगे तो। कितना भी गिर जाए आपको कोई ज्यादा नुकसान नहीं, सिर्फ प्रीमियम का लॉस जो 50 रुपए पर शेयर आपने सामने वाली पार्टी को रिस्क बियर करने के लिए पे किया हुआ है। आई थिंक ये स्ट्रेटजी आपको क्लियर हो गई होगी।